स्टार गोज फार्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स में और भी कई चीज़ों पे हम लोग ने स्टेटस रखे थे कि कांटा हमारा आ चुका है और ये वेट मशीन है जिसपे बकरे वजन होते हैं। हमारे पास पहले एक छोटा कांटा और था, उसमें कई दिक्कतें आती थी जिसकी वजह से हम लोग को ये ऑलरेडी एक होने के बाद दूसरा परचेज करना पड़ा। थोड़ा सी महंगा पड़ा लेकिन मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करके अपने हिसाब से पूरा इसको बना के लिया है। दरवाजे का भी सिस्टम है, हाइट है और नीचे वायरिंग अक्सर होता यह है जो नीचे की तरफ जो वायरिंग होती है उसको चूहे कतर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पूरा नीचे से हम लोग ने पूरा अच्छे से डिज़ाइन करके जो कांटे वाले हैं सुरेश भाई करके, मैं नंबर भी दे दूंगा उनका, तो उनके पास कई किस्म के कांटे हैं। हमारा ये तो थोड़ा सी कॉस्टली पड़ गया क्योंकि नॉर्मल ये 4 फीट की हाइट होने वाली थी, मैंने इसे 5 फीट की हाइट दिया। आप देख सकते हैं ये मेरी हाइट से भी ऊपर है, तो हम लोग ने इसको ज़्यादा बड़ा बना के लिए। हमारे पास माल एक्चुअली आता है रेगुलर ज़्यादा और हम लोग को कुछ बकरे वजन ज़्यादा ही करने होते हैं, तो लोगों का काफ़ी फ़ोन आ रहा था कि भाई इसकी डिटेल दो, किसके पास से बनाए हैं आपने और कौन है बंदा, कितने का पड़ा है। तो मैं सुरेश भाई का नंबर आपको डाल दूंगा इस वीडियो में, इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल वही देंगे। ये हमारा कांटा हमको लगभग 28 में पड़ा, 28,000 रुपये में, लेकिन नॉर्मल कांटे 18-20,000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं। और हमारा पुराना वाला भी हम लोग ने, ये जो आप देखेंगे ये हम लोग रे रोड पे थे, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी अरसा, मेरे हिसाब से 6-7 साल आई थिंक हो चुका है क्योंकि मुझे यहाँ आके 3 साल से ज़्यादा हो गया। और हम लोग रे रोड पे जब नए नए थे 6-1 साल आई थिंक हुआ है जब ये हमने 18,000 रुपये में लिए थे। अभी तक भाई इसने हमें बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता था इसकी हाइट कम होने की वजह से बकरे अंदर बराबर जाते थे, लेकिन बकरे अक्सर हमारी वीडियो में आपने देखा होगा बकरे जम करके बाहर आ जाते थे। तो मुझे लग रहा था कि इसको मुझे हाइट करना है। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब हम लोग ये कांटा खोलते थे बकरा डाल दिए, 2 बकरे का वजन 3 बकरे का वजन एक साथ हो रहा था, उनको निकालने में रिवर्स निकालना पड़ता था। तो अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि हमारे बकरों के पैर में मार लगी या कूदने की वजह से मार लगी। तो पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग ने इस बार ये सॉल्यूशन निकाले हमारा। ये मेरा सेल के वीडियो नहीं है कि ये मुझे बेचना है, लेकिन जिन भाई ने बना के दिया है उसके लिए एक छोटा सी वीडियो भी मैं बना दिया हूँ कि उनका भी फायदा हो जाए और आप लोगों का भी फायदा हो जाए। तो मैं इसका सिस्टम बताता हूँ बकरे को वजन करके। और ये हमारा इसका मशीन है, ये हमने अभी तक का फिटिंग नहीं की है, इसको पूरी तरह से ये फिटिंग होएगा यहाँ पे। हम लोग इसकी मशीन जो है ये यहाँ पे मेरी इस मशीन के जैसे यहाँ पे लग जाएगी और दोनों मशीन हम लोग रखेंगे। अभी फिल वक्त कुछ अनाज उनाज वजन करना रहता है, दाना वजन करना रहता है, वो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। इसको मुझे बेचना नहीं है, नहीं तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि आसिफ भाई के पास एक आ गया तो दूसरा बेचेंगे। तो मशकाटा बहुत ज़रूरी है और अभी जो वेट से सिस्टम चलता है उसमें आपको खुद मालूम है कांटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बकरा वजन करके इसका सिस्टम बताता हूँ कैसा सिस्टम है। बेटा एक बकरा ले, हाँ ये बकरा लेंगे इसको, ये हम लोग ये इसमें 2 गेट बनाए हैं, ये एक चीज़ अच्छी है। एक गेट इधर है पूरा, एक गेट वो तरफ, हाँ वहाँ से गेट, वो भी एक गेट है पूरा। वहाँ से बकरा यहाँ से डालना है, एक आ जा बेटा चल के आ जा, तू चल से। इसमें 2 बकरे या 3 बकरे भी अगर आ जाते हैं, 2 बकरे इसका साइज ज्यादा है, 4 फुट बाय 3 फीट हमने, आई थिंक 2.5 फीट है, 4 बाय 2.5 का हमने बनाए हैं। इसमें 2 बड़े बकरे आसानी से बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब ये बकरे का वेट हो गया यहाँ पे 72 kg, 71-72 kg का बकरा है, ये खस्सी है, फोर सेल है भाई। अगर किसी को खस्सी चाहिए तो ले भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कांटे की वीडियो बना रहे वो बेचने के लिए बकरा है। तो इसको आगे से गेट खोल दिए, बकरा आगे से उतर गया, बिल्कुल आसान तरीका है। इसके अंदर ये पूरा ये दोनों रैक को रोकने के लिए एंगल भी उसने लगा दिया है, बहुत अच्छा कड़ी भी मजबूत लगाया है जो हमें हैवी ड्यूटी कड़ी आती है, क्योंकि हम लोग के पहले वाले में आप देखेंगे हम लोग क्या कड़ी इस्तेमाल कर रहे थे यानी। और ये दरवाज़ा भी आउट हो जाता था बार बार, इसको काफ़ी दिक्कत से हम लोग ये चला रहे थे, लेकिन अभी सीज़न है कांटा लगता है और हम लोग जो हिसाब से माल बेचते हैं वेट के हिसाब से हमारी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए हम लोग ने इसको परचेज करे हैं
थोड़ा सी पैसा ज्यादा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मनपसंद चीज मुझे जैसी चाहिए मैंने उसे बना के लिया है, डिजाइन बताया उनको, सब चीज बताया, उनसे भी बात किया, सुरेश भाई से भी, और सुरेश भाई और मैंने बैठ के पूरी डिजाइन करके ये बने। ऑलरेडी मेरे ख्याल से और किसी फार्म पे भी ऐसे कांटे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास आया है, ऑलरेडी कई लोगों के पास होंगे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आप सुरेश भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये चार लोड सेल का है, इसके अंदर लोड सेल आते हैं, इसके चारों पॉइंट पे लोड सेल आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक लोड सेल इधर है, एक इधर है, और चारों पॉइंट पे लोड सेल है। नॉर्मली एक लोड सेल का कांटा आता है तो उसमें जब वजन होता है ना ये बीच में, तो एक्यूरेट वजन हमारा आ नहीं पाता है, और ये चारों तरफ चार पॉइंट पे लोड सेल होने की वजह से जो बीच में अगर कोई प्रोडक्ट यानी जैसे कोई सामान रखे या हमारा बकरा खड़ा होता है तो उसका चारों लोड सेल में एक्यूरेट वजन आता है, कोई वजन कम नहीं होता है। तो ये फार्म वालों का भी फायदा ही है एक किस्म का, चार लोड सेल वाले। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप चार लोड सेल वाला ही कांटा ले। एक लोड सेल वाला थोड़ा सा सस्ता आता है, चार लोड सेल वाला महंगा आता है। वन टाइम आप हमें परचेस करना है, ये लॉन्ग टाइम 10 साल 15 साल हमारे पास चलता है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए, इसका सही मेंटेनेंस किया जाए, तो ये कम से कम 10-15 साल हमारे पास रहता है। हमारा पुराना वाला कांटा 6-7 साल से हमारे पास है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जानकारी वाली, आपको एक जो इस लाइन से रिलेटेड है उनके लिए एक फायदे की चीज़ थी। तो ये हमारा कांटा है, आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह बस आप लोगों की दुआ रहे कि ये कांटा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वजन हो, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बकरे आए और बिके। बस आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कुछ नए माल की आने की उम्मीद है। अभी फिर वह कांटा काफ़ी ऊपर चल रहा है, कांटा यानी रेट हम जो बोलते हैं कांटा ऊपर है, रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद है, बहुत जल्द हम लोग कुछ ना कुछ स्कीम लाने वाले हैं। फिल वक्त हमारे पास पाले हुए अंडू है जो 450 रुपये में, उसमें भी मैक्सिमम अंडू हमारे सेल हो रहे हैं, कम बचे हैं, लेकिन जिनको चाहिए वो आ सकता है हमारे फार्म पे। कल सैटरडे है, संडे है, आप लोग दोनों दिन में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारा टाइमिंग है शाम में 4 बजे से रात में 9 बजे तक, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पहले हम लोग एंट्री फार्म पे नहीं दे रहे हैं। कुर्बानी का टाइम जब करीब आ जाएगा उस वक्त हम लोग देखेंगे क्या टाइमिंग होता है, क्या सेटिंग होती है, वो हिसाब से हम लोग टाइम बढ़ाएंगे। तो बहरहाल आज एक छोटी सी वीडियो थी कांटे की, आपको कैसी लगी आप देखें। सुरेश भाई का नंबर मैं डाल देता हूँ, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।